और हमारे चेंज वापस आ गया। थैंक यू। तो भाई सही में मतलब एक नंबर लोकेशन थी, कैंट दिल लग गया मतलब बैठ के। मजा आने वाला है शादी में। yeah! गुड हो गया जी, गुड हो गया जी, गुड हो गया जी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमी व्लॉग। तो भाई रात हम सोए थे 5 बजे। गाइस रात 5 बजे आया मैं घर पे, लाने के बाद पता नहीं लगा गाइस कहाँ सो गया। अब इन बच्चों ने आकर उठाया मुझे कि भाई उठ जाओ, कि भाई उठ जाओ, सुबह हो गई। तो मैंने टाइम देखा तो गाइस 12:30 बज रहे हैं दोपहर के। तो गाइस अब उठा हूँ मैं और हालत हो रही है बिल्कुल डाउन, बिल्कुल ही आँखें नहीं खुल पा रही। देखो रेड भी हो रही आँखें, हो रही ना, दोनों आँखें रेड हो रही है मेरी। तो गाइस आज हमारा एक ब्लॉग बनेगा शादी का, तो आज एक हम ब्लॉग शूट करने वाले हैं। तो गाइस आज रेडी वेडी होएंगे, तैयार होएंगे, कुछ बढ़िया सा क्या पहनना है प्रोग्राम आज, कोट पहन। तो कोट पहन था पूरा पूरा ऑर्डर हो गया जी। चले फिर तैयार होते हैं, तैयार होकर मिलते हैं आपसे। शाम के बज रहे हैं 5 और अब जाना है हमें शादी में। और गाइस उससे पहले हमें होना है रेडी, क्योंकि गाइस अभी तो इसी हालत में फिर रहा हूँ क्योंकि मैं सो गया था रात, बहुत ज़्यादा काम करने का, थकान हुई थी मेरी, आँखें बिल्कुल रेड हो गई थी। अब थोड़ी सी ठीक हुई है, देखो सुबह तो वरना बिल्कुल रेड हो ही पड़ी थी। तो गाइस अब हो गए हैं हम नॉर्मल और अब तैयार होते हैं। बल्कि हमें शादी से पहले एक और जगह जाना है, एक जगह हमारे एक दोस्त के साथ जाना है गाइस, वहाँ पे काम है। तो पहले वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम शादी में। तो गाइस पहले तैयार होते हैं जल्दी से, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये दोनों भाई हम आ गए हैं एक लोकेशन पर। लोकेशन इतनी भयंकर है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी शादी से पहले कहीं और जाना है तो वो यहाँ पर आना था। तो गाइस फिलहाल बैठे हैं इस लोकेशन पर। गाइस लोकेशन बहुत ही कैंट है, आपको बताया था मैंने कि लोकेशन कुछ भयंकर होने वाली है। तो यह है वो भयंकर लोकेशन हमारे लोकल में। तो गाइस गुड हो गया, बहुत बढ़िया लोकेशन है, मज़ा आया। अभी तो मेन्यू कार्ड आ रहा है हमारा, वो लेकर आनी है मैम। गाइस फिलहाल कर रहे हैं, हमने ऑर्डर दे दिया है अपना और अभी कर रहे हैं वेट अपने ऑर्डर की है। और ये हमारे भाई बैठे हैं, देखो फर्स्ट टाइम विजिट कराया हमने इधर, देन अब तो आगे हम आते ही रहेंगे क्योंकि हमें पता चल गया इस लोकेशन का, क्योंकि पहले पता नहीं था इसलिए से नहीं आए थे, अब पता चल गया है तो अब तो परमानेंट हम इधर आते ही रहेंगे। तो गाइस अभी वेट करते हैं अपने आने का, थोड़ी प्यास लगी है तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी है, कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे उसके बाद। मेरी तो लिमका आ गई और भाई की कोल्ड कॉफ़ी आ गई है, देन अभी तो ये पी रहे हैं। और अब तो जैसे जैसे नाइट होती आई ना गाइस सीन अलग होता जा रहा है बिल्कुल। देखो लाइटिंग अरेंजमेंट कुछ हाई लेवल है भाई का, इनका यहाँ का मज़ा आ रहा है फुल। लोकेशन है और सर्विस भी अच्छी है इनकी, बिल के साथ साथ ये भी आया है हमारे पास इनका। तब इन्होंने भैया ने बताई दिया है जैसा हमें, तो अब तो हम आते रहेंगे क्योंकि हमें पहले पता नहीं था। सो गाइस ये वाला अब यहाँ से सीधे जाना है हमें शादी में, जहाँ पर हमारा प्रोग्राम है वहाँ पर जाएंगे और फिर आगे का प्रोग्राम वहाँ पर करेंगे। हमारे चेंज वापस आ गए हैं, थैंक यू। लोग चल रहे हैं अब वापस। हमें भूख तो थी नहीं, बट इन्होंने भाई ने मेरे को बोला था कि एक लोकेशन है ना, तेरे को सरप्राइज दूंगा उस लोकेशन का, मैं दिखा के लाऊंगा। तो मैंने बोला, मैंने कहा यार हमारे शहर में तो कोई इतनी अच्छी लोकेशन भी नहीं है, हम लोग दिल्ली जाते हैं और अक्सर जब भी हम बाहर जाते हैं, कहने लगे तू मेरे साथ तो चलिए एक बार। सो गाइस सही में मतलब एक नंबर लोकेशन थी, कैंट दिल लग गया मतलब बैठ के। अब चलते हैं वापस और अब जाना है शादी में क्योंकि वहाँ का ही प्रोग्राम था, वो भी करते हैं पूरा। सो गाइस आपसे मिलते हैं वहाँ पर जाकर। तो गाइस हम लोग शादी में पहुंच गए हैं और ये कुछ जो है हमारे भाई लोग हमें आते ही इन्होंने चिपट गए। बस 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 बस, अरे क्या हुआ, क्या इतने को परेशान हो रहे हो भाई, बहुत दिनों बाद। भाई बहुत दिनों बाद, भाई अभी तो मिले थे, अभी मिले थे एक हफ्ते पहले। तो एक हफ्ता तुम्हें पता बहुत लगा। शादी शादी अभी स्टार्ट हुई है ना, खाना तो स्टार्ट नहीं हुआ अभी। नहीं, मजा आने वाला है शादी में। गुड हो गया जी, गुड हो गया जी, गुड हो गया जी। चलो भाई चलते हैं अब हम लोग अंदर और मिलते हैं आपसे अंदर जाकर। तो गाइस बारात आ चुकी है और स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं, चाचा भी आ चुके हैं शादी में।
जिनकी हमें इंतजार थी। कहाँ थे आप चाचा? सुबह से यही हम तो आप सुबह से यही वेलकम के लिए खड़ा कर रहा है। वेलकम के लिए वहाँ आए अब है एंट्री होने वाली है दूल्हे की और हम खड़े हैं स्वागत के लिए। सभी लोग सबके हाथ में फूल है। हेलो गाइस। नहीं कितनी? अरे भाई एक भी लगने दिया। एक भी नहीं खाली आते आ गया भाई बेचारा। कितनी लाए? हेलो गाइस। हेलो गाइस नहीं कितनी? एक एक झूठ बोल रहा बहुत ज्यादा खड़ा है। देखो अर्जुन ने आप कर रखी है बड़ा हरामी हो। और किंदर ठीक है आप? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। क्या कर रही हो अभी? क्या है आपके हाथ में? निकट की थैली। निका हो गया? हुआ नहीं? हो तो गया। अच्छी एक बात तो बताओ, रुक सद भी रहोगी आप? नहीं रोना तो पड़ेगा। कैसे रहोगी? थप्पड़ मार मार। मैंने क्यों मारोगी? मैंने मत मारी। शादी मजा आ रहा? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो गाइस अब चल रहा है डिनर टाइम। गाइस अरे गाइस गाइस फिलहाल हमारा व्लॉग चल रहा है इन भाइयों के बीच में। सब खड़े हैं यहाँ पर। ये कहो सब गुड हो गया जी? गुड हो गया जी। तो कल को क्या बटन दबाओ जी? सब्सक्राइब का बटन दबा दो। सब्सक्राइब का बटन दबा दो जी। लाल वाले हो सफेद करो। सफेद हो पहले लाल हो फिर सफेद हो जा। साथ हो गए और हमारे भाई ने आज हमारे साथ ब्लैक कोट पहना है और ब्लैक कोट के साथ रेड टाई का कॉम्बिनेशन। तो आज कुछ अलग ही मजा आ रहा है। पहले हमारे दो तीन फैन लोग हमें बच्चों ने बाहर ही घेर लिया था। उसके बाद एक लड़के ने सेल्फी वगैरह। ये कुछ लोग हमें डिस्टर्ब बहुत करते हैं ब्लॉगिंग करते हुए, ये अच्छी बात नहीं है। तो भाई आपको हम सलामी दिखाते हैं। सलामी हो रही है तो आपको सलामी मिलते हैं। तो भाई फिलहाल चल रही है सलामी की तैयारी और ये बैठ गए हैं दूल्हे राजा सामने और हम लोग ये फोटोग्राफर जो है लेडीज़ को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जेंट्स को कम दे रहे हैं। फाइनली उत्सदी हो रही है। भाई उत्सदी हो चुके हैं और टाइम हो रहा है फिलहाल 2 और सब लोग जा चुके हैं अपने घर और अब हम रह चुके हैं हमारे भाई हैं। तो भाई उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये व्लॉग करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं कल को एक अगला व्लॉग बनाए कल। कल को जाएंगे हम चौथी में चौथी वाले। ठीक है गाइस तो मिलते हैं आपसे। सी यू बाबा टाटा।